गुलमर्ग विंध्य पश्चिमी पूर्व घाटों पर सामने देश माता का भव्य चरण है और जीतेंगे हम। ये समर हमारा प्रण है। जब भी देश में क्रांति काल होता है तो सारी लपटों का रंग लाल होता है। आदरणीय योगी जी, आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। राजस्थान की और मेवाड़ की इस वीर भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए यहां के जो अधीश्वर देवता हैं श्री कलिंग महाराज और श्री नाथ जी महाराज के श्री चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रभारी और मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती मंजू जी बागमार, श्री नाथ द्वारा से लोकप्रिय विधायक श्रीमान विश्वराज जी मेवाड़, हमारे सभी अन्य विधायकगण श्री हरि सिंह रावत जी, सुरेंद्र सिंह राठौर जी, श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी जी, श्री अविनाश गहलोत जी, श्री शंकर सिंह रावत जी, श्री लक्ष्मण राम कलुक जी, श्री वीरेंद्र सिंह चौहान जी, श्री मान सिंह बारड़ जी, और जो जिनके साथ एक लंबे समय तक मुझे सांसद के रूप में संसद में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था, राजसमंद के समन्वय श्री पुष्प जी जैन, सह संयोजक श्री नरेश जी कनौजिया, जिला प्रमुख श्रीमती रजनी देवी जाट जी, विधायक माडल श्री उदयनाथ भड़ाना जी, और जैसा नाथ जी की मंडी के महंत योगी नारायण नाथ जी, भारी संख्या में उपस्थित राजसमंद से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को बारंबार नमन करता हूं। ये वीरों की भूमि है। भक्ति और शक्ति का अद्भुत समन्वय इस धरती में देखने को मिलता है और भक्ति और शक्ति का यह समन्वय ही हम सब की धमनियों में राष्ट्रभक्ति की एक नई ज्वाल पैदा करती, एक नया ज्वार पैदा करती है। बहनों और भाइयों, बप्पा रावल की वीरता से लेकर के महाराणा प्रताप के स्वदेश और स्वदेश स्वाभिमान के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज भी पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। महारानी पद्मिनी के जौहर को कौन भारतीय भुला सकता है, और मीराबाई की भक्ति हम सबके मन में, हम सबके मन में राष्ट्रभक्ति की एक नई ज्वाला पैदा कर देती है। आपने देखा होगा अभी पिछले वर्ष जब यहां विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं वृंदावन पधारे थे और वृंदावन में महान भक्ति की प्रतीक
मीराबाई जी की 525वीं जयंती के कार्यक्रम का मंचन का एक भव्य आयोजन हम लोगों ने वहां किया था। उस आयोजन में स्वयं भाग लिए थे, उन्होंने 3 घंटे का समय दिया था। मीराबाई के प्रति भाव प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में है और इसलिए ये मेड़ता की धरती तो महाभक्तनी महारानी मीराबाई की धरती भी है। बहनों और भाइयों, आज मुझे उत्तर प्रदेश से इस धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे प्रसन्नता है कि जब राजस्थान अंगड़ाई लेता है तो उसकी गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई देती है और इसी गूंज का एहसास कराने के लिए आज मुझे आपके बीच में आना पड़ा है। आप तो एक विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, एक विरासत जो मेवाड़ और मेड़ता को आपस में जोड़ता है, एक वह विरासत जो राष्ट्रभक्ति के साथ माणा प्रताप के संबंधों का हम सबको एहसास कराता है और एक वह विरासत जो कृष्ण की भक्ति में लीन मीराबाई को वृंदावन के साथ जोड़ करके राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संबंधों को और मजबूत करता है। मेरे संबंधों और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे पूर्वज इसी राजस्थान से गए थे और जैसे मुझे बताया गया कि कांगरवा घराना मेरे पूज्य दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी वो यही इसी मेवाड़ की धरती से गोरखपुर आए थे और गोरखपुर के बाद फिर वहां से उन्होंने राष्ट्रवाद का जो अलग जगाया आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हम सबके सामने हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इसीलिए इस बात का एहसास करा रहा हूं, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य न खो करके महाराणा प्रताप लड़ते रहे। उन्होंने स्वदेश और अपने स्वाभिमान के साथ स्वधर्म के साथ स्वधर्म को झुकने नहीं दिया था, देश के लिए और मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। इसके लिए कष्ट सहना पड़ा था, इसके लिए उन्हें जंगलों के अंदर भी कुछ दिनों तक रहना पड़ा था, लेकिन अपने जीवन काल में ही सभी दुर्ग और सभी किलों को वापस लेकर के